हम अभी यहाँ बना रहे हैं जरूर से वो बहुत ज़्यादा। परेशानी हो रही है बारिश से, जल जमाव जो हुआ है यहाँ कभी बहुत ज़्यादा परेशानी हो रहा है। सैटरडे के दिन आए थे तो कुछ नहीं था, आज आ रहे हैं तो पूरा हम देख रहे हैं पूरा फैक्ट्री में पानी घुसा हुआ है। आने जाने में कितने बहुत ज़्यादा परेशानी है, पूरा लग रहा है कि दो चार दिन में आना जाना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। पिछली बार से कितनी मतलब परेशानी हो रही है? पिछली बार से तो पानी का कम है जल जमाव, लेकिन आने जाने में बहुत परेशानी हो रहा है रोड पर जो पानी है इस कारण से। क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत आने जाने में भी रोड पर पूरा पानी लगा हुआ है, लोग नहीं जा पाते अपने सामान को देखने अपने गोदाम में, यही सब परेशानी है। कोई भी उद्योगपति आएगा तो उसको गड्ढा थोड़ी देना है, जब सड़क का गड्ढा हट गया तो वो भी वो जो खत्म हो जाए। शर्मा जी ने NDA की सरकार ने जो काम शुरू किया है स्मार्ट सिटी का, वो काम तो अभी शुरू हो गया है। ठीक है, वो शहर में पानी की जो दिक्कत होती है वो दूर करना है, उससे सबसे ज़्यादा दिक्कत बियाडा में, शहर का पानी वहाँ भी आ जाता है, वहाँ भी नाला बनाने की योजना। इस वो तो हम जानवे करते कल गए नीचे, तो हम लोग मांग किया था शर्मा जी ने जाके, देवांशु जी ने चिट्ठी लिखी थी, कहा था कि 50 करोड़ दीजिए। तो मैंने कहा भाई 50 ही क्यों मांगा, शर्मा जी बोले कम से कम 50 दीजिए, अब जितना मांगेंगे उससे ज़्यादा देने का योजना है। वहाँ पे वो जो प्योरीफायर के एसटीपी प्लांट होता है वो भी लगाएंगे, ताकि वहाँ का पानी जो है प्रदूषित पानी ना हो, उस पानी को कैसे बहाया जाए। बड़े विजन के साथ काम है, इरादा बड़ा है, हौसला बड़ा है, उम्मीद भी बिहार के लोगों की बहुत बड़ी है, इसलिए मेरे कंधे पर उम्मीदों का बड़ा बोझ है, उस पर खड़े उतरना आसान नहीं है, लेकिन डबल इंजन है, नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जी का साथ है, इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि मैं बिहार के जनता की उम्मीद पर खड़ा उतरने का प्रयास करूँगा। समस्तीपुर में एक झगड़ा